खरगोन जिले के सुखपुरी इलाके में कई कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जानबूझकर काट दिए गए, जिसके विरोध में कांग्रेसी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। हम आपको बता दें कि नगर पालिका चुनाव की सरगर्मी शबाब पर चल रही है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस दोनों अपनी जीत का दावा पेश करने की होड़ में हर प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेसियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय जाकर नाम जोड़ने की बात पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नाम कटने की बात पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करके भाजपा पर निशाना साधा और बताया कि अपना वह परचम लहराने के लिए जो तैयारी कर रही है वह गलत है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। शिकायत करना है, क्या है मामला सर? इसका कुछ इस तरीके से मामला है कि खरगोन के वार्ड नंबर 1 में ये मामला देखा गया। अन्य वार्डों में भी इस तरीके की घटना हो सकती है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों के पूरे हिंदुस्तान में निर्वाचन नामावली में एक ही जगह नाम थे, उन पर फर्जी आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। BLO और पटवारी साहब वहां पर आए थे मौका निरीक्षण करने के लिए। उन लोगों ने अपने दस्तावेज बताए और ये भी सहमति नहीं दी कि हमारा नाम यहां से काटा जाए। उसके बाद तहसील में उनकी तारीख लगी थी कि आप तारीख पर जाके आपके वहाँ दस्तावेज का अवलोकन कर कथन दे देना। तहसील में भी गए, तारीख लगी, वहाँ पर कथन दिए कि हमारा नाम नहीं काटा जाए। फिर भी टोटल 75 नाम कटे, उसमें से 20 से 25 लोगों के नाम गैर संवैधानिक तरीके से काटे गए और ये नाम वो थे जो कहीं ना कहीं ये परिवार, इनके परिवार कांग्रेस से रिलेटेड रखते थे। इसके साथ एक ही इसके विपरीत की घटना हुई है उसी वार्ड में कि जो व्यक्ति के दो वार्ड में अलग अलग दो निर्वाचन नामावली में एक ही नाम से नाम दर्ज था, उस पर आपत्ति ली गई परंतु उसका नाम नहीं काटा गया। तो ये जो भेदभावपूर्ण तरीके से अधिकारियों ने और प्राधिकृत अधिकारी ने जो उनके नाम काटे गए, उनको मतदान से वंचित करा गया और जिनके दो जगह नाम थे जो गैर संवैधानिक रूप से थे, उन पर कार्रवाई ना करते हुए इनको मतदान से वंचित कर दिया गया। तो हम इसको लेके, ये एक जनता की मांग थी और जनता के हम हक के लिए आए थे, उनके अधिकार के लिए आए थे। कलेक्टर साहब के पास कलेक्टर महोदय ने बोला है कि हम इसकी जाँच कर कार्रवाई करेंगे। सर टोटल 75 कटे हैं, बाकी उसके अंदर से 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनके वहाँ दस्तावेज बताए और जिन्होंने अपनी सहमति नहीं दी कि हम यहाँ से नाम कटाना चाहते हैं, फिर भी नाम काटे। क्या BLO भाजपा के सारे काम कर रहे हैं? हाँ, BLO, हम तो BLO पे लगाना एक छोटा सा बोलेंगे कि वो तो एक छोटा से, वो छोटे से अदना से। BLO से लेके जो बड़े बड़े अधिकारी है वो कहीं ना कहीं BJP के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। हमें तो ये अफसोस होता है कि ये अधिकारी है ना कि कार्यकर्ता है। अगर आप कार्यकर्ता का काम कर रहे हो तो BJP का झंडा उठा के करिए ना, खुल के करिए। आपको जब प्रूफ दे दिया, ऑथेंटिक प्रूफ दे दिया, उन लोगों का नाम नहीं कटे, इधर से नाम कट गए, मतलब इसका सीधा सीधा यही दिख रहा है, यही आशंका हो रही है कि आप BJP या तो सरकार के दबाव में या सरकार के कार्यकर्ता के रूप में काम चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी अधिकारी है, जो भी दोषी व्यक्ति है, उन पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाए, ताकि अन्यथा देश के अंदर या खरगोन निर्वाचन नामावली में ऐसे किसी का मतदान का अधिकार ना छीना जाए। और सर आपसे एक और निवेदन करूंगा कि ये वार्ड नंबर 1 में ये घटना घटी है, ऐसे टोटल 33 वार्ड पूरा ऑल ओवर मध्य प्रदेश, ऑल ओवर इंडिया में भी ये हुआ होगा। उन लोगों को जानकारी नहीं, हमको जानकारी थी तो हम ये मांग लेके आ गए। मेरा नाम शाहरुख मिर्जा, यूथ कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।